दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में टॉक बैक ऑप्शन को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ऑप्शन एंड्रॉयड मोबाइल में क्यों होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एक्सीडेंटली टॉक बैक ऑप्शन को एक्टिवेट कर लिया तो इसे कैसे आप ऑफ कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सालू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के चैनल में। दोस्तों, कई बार हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में हम लोगों से गलती से टॉक बैक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद मोबाइल को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में कई लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर में ये ऑप्शन कैसे एक्टिवेट हुआ, इसे किस तरह बंद किया जाए हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर में ये टॉक बैक ऑप्शन फीचर होता क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज़ है। दोस्तों, टॉक बैक एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो कि गूगल द्वारा बनाया गया है, जिसे हम गूगल टॉक बैक के नाम से भी जानते हैं। ये ऑप्शन आपको लगभग सभी एंड्रॉइड मोबाइल में आसानी से मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर। इस ऑप्शन को खास करके उन ब्लाइंड यूजर्स यानी अंधे लोगों के लिए बनाया गया और उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जिनके आंखों की रोशनी कम है और वो मोबाइल यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो यूजर टॉक बैक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आसानी से मोबाइल को यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद कोई भी यूजर अगर स्क्रीन पर टच करता है तो सबसे पहले मोबाइल उस यूजर को वो ऑप्शन के बारे में बताएगा कि ये ऑप्शन कौन सा है। उसके बाद आपको ये भी बताएगा कि इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना होगा। तो साथ ही साथ आपको वाइब्रेट करके भी बताता है कि आपने कौन सा ऑप्शन टच किया। तो दोस्तों, बेसिकली यही होता है टॉक बैक ऑप्शन किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये टॉक बैक ऑप्शन होता क्या है। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस ऑप्शन को आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में किस तरह यूज कर सकते हैं, यानी किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरह डिसेबल कर सकते हैं। तो टॉक बैक ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स पे जाएं। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दोबारा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉक बैक का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दे। ध्यान रहे, इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद आपका मोबाइल स्लो काम करेगा, तो आपको टॉक बैक इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मैं सिंपली इस पे ओके पे क्लिक करके इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेता हूँ। टॉक बैक को एक्टिवेट करने के बाद अब आप किसी ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं या फिर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको क्या बताता है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो ये आपको बता रहा है नेविगेट बटन है बैक जाने के लिए, और इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हम बैक आ चुके हैं। इसके बाद हम होम बटन दबा के मोबाइल के होम स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ ऐप्स पे क्लिक करते हैं। तो ये आपको कुछ बता रहा है कि इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए इस पर डबल टैप करें। तो मैं डबल टैप क्लिक करता हूँ तो देखिए मेन्यू ओपन हो गया। तो इस तरह आप टॉक बैक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल में। इसके बाद अगर आप अपने मोबाइल में टॉक बैक ऑप्शन को डिसेबल यानी बंद करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल के वॉल्यूम बटन अप और डाउन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है साथ में। तो जैसे आप 3 सेकंड के लिए दबाए रखते हैं तो यहाँ पर आपको सस्पेंडेड टॉक बैक का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे सिलेक्ट करना है और इस पर डबल क्लिक करके इस ऑप्शन को सस्पेंड कर देना है। तो उसके बाद देखिए आपका मोबाइल नॉर्मल यूज हो जाएगा, आप किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं बताएगा। तो इसके बाद अब आप क्या करना है, इसे पूरी तरह डिसेबल यानी बंद करने के लिए सेटिंग्स पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर टॉक बैक पे आके इसे यहाँ से बंद कर देना है। तो इस तरह आप टॉक बैक ऑप्शन को पूरी तरह डिसेबल कर सकते हैं यानी बंद कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये टॉक बैक ऑप्शन का क्या यूज़ है और किस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, और इन फ्यूचर अगर एक्सीडेंटली ये आपके मोबाइल में एक्टिवेट हो गया तो किस तरह आप इसे डिसेबल कर सकते हो अपने मोबाइल में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपने मुझे अभी तक सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।